Hello children, good morning. I am Monica Nanda. Today I am going to teach you subject EVS lesson 6 food. Okay? आज मैं क्या पढ़ाऊंगी आपको? फूड. जैसे हम जो खाना खाते हैं उसके बारे में आपको मैं डिस्क्राइब करूंगी. ओके? फूड इज अवर बेसिक नीड. वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड. हम फूड के बगैर नहीं जी सकते. हमें जिंदगी जीने के लिए फूड की जरूरत होती है. फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हम ना खेल पाएंगे ना कोई काम कर पाएंगे. फूड मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. फूड क्या करता है? हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेल्दी बनाता है और जितनी डिजीज होती है उनसे फाइट करने की एनर्जी देता है हमें. फूड हेल्प अस टू ग्रो. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज. ओके? फूड फ्रॉम प्लांट. अब हम आपको ये बताएंगे कि कौन से फूड है जो हमें प्लांट से मिलता है. वी गेट सीरियल्स लाइक राइस, वीट एंड मेज फ्रॉम प्लांट्स. क्या मिलता है हमको? गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, मक्का मिलता है और दालें मिलती हैं. ये सब हमें प्लांट से मिलता है. दे ऑल्सो गिव पल्सेस लाइक दाल, पी एंड ग्रैन. ओके? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर ऑल्सो गिवन बाय प्लांट्स. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हमें प्लांट से मिलती हैं. फूड फ्रॉम एनिमल्स. फूड कैसे हमें एनिमल से ऐसा फूड मिलता है वो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है? जैसे कि अब कोई हैन है, हैन से हमें क्या मिलता है? एग मिलता है. तो ये हमें कहाँ से मिल रहा है? एनिमल से. मिल्क जो है वो भी हमें एनिमल देते हैं, जैसे गॉड, काउ, ये सब हमें मिल्क देते हैं. तो ये फूड कहाँ से मिल रहा है हमको? एनिमल से मिल रहा है. हनी है, यानी कि शहद, वो कौन देता है हमें? हनी भी देती है. और मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट भी जो भी हैं वो सब हमें एनिमल से मिलते हैं और उसको प्रोसेस करके वो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. ओके? अब आते हैं कि टू टाइप्स के पीपल होते हैं, कि जैसे कि वेजिटेरियन. वेजिटेरियन कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो एग, मीट और फिश वगैरह नहीं खाते, उनको बोलते हैं हम वेजिटेरियंस. और जो नॉन वेजिटेरियन क्या होते हैं? नॉन वेजिटेरियन वो होते हैं जो एग खाते हैं, मीट खाते हैं, फिश खाते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियंस. अब फूड के ग्रुप्स हैं. अब ग्रुप्स क्या है कि अवर डाइट इज अ फूड दैट वी कैन ईट एंड ड्रिंक रेगुलरली. ओके? अ बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड्स द राइट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ईच फूड ग्रुप. इट हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी. एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं? सम काइंड ऑफ फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. दे आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स. दीज आर. अब क्या है कि एनर्जी गिविंग फूड क्या है? जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जिसमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. तो वो उसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ कौन से फूड है. राइस, बटर, पोटैटो, शुगर. ये ऐसे फूड हैं कि जिनसे हमें एनर्जी मिलती है. ये एनर्जी गिविंग फूड है हमारे लिए. और बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है नंबर टू पे? तो सम फूड हेल्प अस टू बिल्ड अवर मसल्स एंड मेक अवर बॉडी स्ट्रांग. अब हमारी जो मसल्स बनाते हैं, आपने जिम वगैरह में देखा होगा जो लोग जाते हैं या जिनकी बॉडी स्ट्रांग होती है, दिस फूड आर नोन एज द बॉडी बिल्डिंग फूड्स. सम ऑफ दीज आर मिल्क, ग्रेन्स, पल्सेस, फिश. ये क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है. इनको खा के कुछ लोग, जैसे सभी खाते हैं इसको, तो वो उनकी मसल्स और उनकी बॉडी को स्ट्रांग बनाने में उनकी हेल्प करती है. अब क्या है? प्रोटेक्टिव फूड्स. सम फूड्स प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम फेलिंग सिक. दीज आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड्स. दीज इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब क्या है प्रोटेक्टिव फूड? क्या है कि जो हमारी बॉडी को बीमार होने से बचाती है, जिससे हम अपना काम कर पाए. ओके? तो इसमें क्या आता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब क्या है? कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड. अब जो एक फूड होता है जिसको हम पका कर खाते हैं, और कुछ ऐसे फूड होते हैं कि जिनको हम ऐसे भी रॉ भी खा सकते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी. वी ईट सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रॉ. जैसे कि वेजिटेबल्स हैं या कुछ फ्रूट्स हैं जो उनको हम ऐसे ही खा लेते हैं, उनको पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है.
But all foods can be eaten raw if necessary to cook the foods before eating. Cooked food becomes soft and tasty. We can digest such foods easily. अब क्या है कि जो अनकुक्ड फूड है वो तो रॉ हो गया, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गया, ये तो हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं. और जो कुक्ड फूड है वो क्या होता है कि कुछ कुछ फूड जो होते हैं इतने हार्ड होते हैं कि जो जिन्हें हम बिना पकाए नहीं खा सकते हैं, तो उसके पकाने के लिए हमको वो पकाने से सॉफ्ट और टेस्टी हो जाते हैं तो, और उनको हम इजिली डाइजेस्ट भी कर पाते हैं. अगर हम ऐसे ही खाएंगे तो हम उसको नहीं खा पाएंगे और वो हमको अच्छे भी नहीं लगेंगे खाने में. तो अब आता है ईटिंग टाइम. वी ईट 3 meals इन अ डे. अब हम लोग कितनी बार खाना खाते हैं दिन में, आप बताइए. हम 3 times खाना खाते हैं कि जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. ओके, वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. वी शुड ऑलवेज ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क विद ब्रेकफास्ट. अब हमें क्या करना चाहिए कि ब्रेकफास्ट के साथ 1 glass मिल्क जरूर लेना चाहिए. वी हैव लंच इन द आफ्टरनून. अब हम दिन में क्या खाते हैं, दिन में हम खाते हैं वी ईट राइस, चपाती, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स ड्यूरिंग लंच. यही खाते हैं ना हम लोग लंच में. वी अब आता है नंबर 3rd पे, वी हैव डिनर एट नाइट. आवर डिनर शुड बी लाइट. क्या होता है कि अब डिनर जो है हम लोग रात में खाते हैं और हमारा डिनर जो है बहुत लाइट होना चाहिए जिसको हम इजिली डाइजेस्ट कर सकें. नहीं तो जैसे कि अगर हमने खा लिया उसको तो रात में हमें डाइजेस्ट नहीं होगा और हमें कई तरीके की डिजीज भी लग सकती है. अब आता है गुड फूड हैबिट्स. अब हम आपको बताएंगे गुड फूड हैबिट्स के बारे में. वी शुड फॉलो सम हेल्दी फूड हैबिट्स टू रिमेन हेल्दी. ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि खाने से पहले भी हाथ धोना चाहिए और खाना खाने के बाद भी हैंड वॉश जरूर करने चाहिए. ये बहुत कंपलसरी है. डू नॉट ईट स्टेल और अनकवर्ड फूड. कभी भी आपको बासी भोजन और अनकवर्ड जो कवर ना हो वो फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए. नेवर बाय फूड फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स. कभी भी जैसे आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे पर वो सामान बेच रहे होते हैं, कुछ लोग समोसे लगाए होते हैं, कुछ लगाए होते हैं, तो उनसे हमें खरीद कर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. ईट मील्स एट रेगुलर टाइम. आपको अपना खाना बिल्कुल समय से खाना चाहिए. ब्रेकफास्ट के टाइम ब्रेकफास्ट करना चाहिए, लंच के टाइम लंच करना चाहिए और डिनर के टाइम डिनर करना चाहिए. डू नॉट टॉक और रीड वाइल ईटिंग. कभी भी खाना खाते वक्त ना तो किसी से बात करना चाहिए और ना कुछ पढ़ना चाहिए या बोलना चाहिए. डू नॉट ईट इन अ हरी. च्यू योर फूड प्रॉपरली. अपना जो है आपको खाना बहुत जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए. आप धीरे धीरे उसको चबा के खाएं जिससे आपको डाइजेस्ट हो सके. रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग. हमेशा खाना खाने के बाद आपको कुल्ला करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि खाने के जो कण होते हैं वो हमारे टीथ में फंस जाते हैं, जो जम्स बन जाते हैं और हमारे टीथ को खराब कर देते हैं. हैव एटलीस्ट 2 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे. आपको हमेशा 2 glass मिल्क ज़रूर पीना चाहिए, सभी को पीना चाहिए. वो बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए. नेवर वेस्ट फूड. कभी भी हमें अपना खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए या छोड़ना नहीं चाहिए बीच में. उतना ही खाना लेना चाहिए जितना आप खा सकते हैं. ईट हेल्दी फूड. डू नॉट ईट जंक फूड. आपको हमेशा जो है हेल्दी फूड खाना चाहिए, कभी भी जंक फूड नहीं खाना चाहिए. वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. अब ये है टिडबिट्स. ड्रिंक 2 glass ऑफ मिल्क एवरी डे. मिल्क मेक्स योर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. अब क्या है, मिल्क से हमें क्या मिलता है, मिल्क से मिलता है कैल्शियम. कैल्शियम से क्या होता है, हमारी बोन्स और जो हमारे टीथ हैं वो स्ट्रांग होते हैं. हमें बहुत एनर्जी भी मिलती है उससे. तो इसलिए जो अपने फूड का जो है हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से खाना चाहिए. कभी भी अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए, जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए. हेल्दी फूड खाना चाहिए जो आपकी बॉडी को स्ट्रांग और हेल्दी रखेगा. और हमको जो है अपने टाइम पे सब चीज़ें खानी चाहिए. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी है सब टाइम से खाना चाहिए. ओके, आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर. कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.